भारत जोड़ो यात्रा में मैं 4000 किलोमीटर चला, पंजाब से भी निकला और हजारों लोगों से मेरी बात हुई, किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से, बेरोजगार युवाओं से। हमारा जो मैनिफेस्टो बना है वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, वो हिंदुस्तान के किसानों की आवाज है, मजदूरों की आवाज है, बेरोजगार युवाओं की आवाज है, उनकी आवाज। भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा और न्याय यात्रा में जो उन्होंने हमसे कहा, भारत की जनता ने कहा, वो ही हमने मैनिफेस्टो में डाला है। आज मैं आपको दो तीन क्रांतिकारी कामों के बारे में बताने आया हूं। सबसे पहले और सबसे ऐतिहासिक काम, महालक्ष्मी योजना। नरेंद्र मोदी जी ने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान के गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और हर महीने उस महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए इंडिया की सरकार डाल देगी। जुलाई में 5 जुलाई को काम शुरू होगा। खटाखट हर महीने हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार जागेंगे, 9 बजे सुबह अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे, उसमें महीने का 8,500 रुपए सरकार आपको देगी। भाई और बहनों, करोड़ों परिवारों को महीने का 8,500 रुपए, साल का 1,00,000 रुपया इंडिया की सरकार देने जा रही है। किसानों की बात मैंने करी, मजदूरों की बात करना चाहता हूं। मजदूरों को मनरेगा में नरेंद्र मोदी जी 250 रुपए देते हैं। 5 जून इंडिया गठबंधन की सरकार मनरेगा में 400 रुपए मजदूरों को देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, जो भी उनको आज मिलता है आप लोग उसको डबल कर दीजिए, उनको हम दुगना पैसा आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को 4 जून के बाद, 5 जून के बाद देने जा रहे हैं।